Hello, my dear students. Once again, welcome to Abdul Biology classes. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2019 के कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल में कट ऑफ क्या होगा और दूसरा कि असम स्टेट में इसका कट ऑफ क्या होगा. एज वी नो दैट कि भाई 15% कोटा हुआ था ऑल इंडिया लेवल हर एक मेडिकल कॉलेजेस में और जो स्टेट कोटा हुआ था वो 85% जितना बच गया 85% स्टेट कोटा होता है. ठीक है, तो पहले इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है. ठीक है ना, तो हो सकता है कि 100% सही भी हो जाए या हो सकता है कि 100% गलत भी हो सकता है इसमें. तो इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें. ठीक है, जस्ट ए प्रिडिक्शन है, बट इस प्रिडिक्शन का कुछ बेसिस उस पर भी डिस्कशन करेंगे. दूसरा, जो लोग जिनका एग्जाम्स बहुत अच्छा नहीं गया है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा इसमें. ठीक है, तो चलो कटअप डिस्कस करने से पहले मैंने क्या क्राइटेरिया लिया है कि यहाँ पे कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कटअप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ बेसिस ऑफ कट ऑफ कैलकुलेशंस में मैंने पहला कंसिडर किया नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट. एमबीबीएस के लिए स्पेशली कर रहा हूँ तो एमबीबीएस के लिए मैं देखूंगा कोटा या फिर हो गया कैटेगरी वाइज कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन है क्या उसमें. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में 2019 में कितने अपियर हुए थे और लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था इस एग्जामिनेशन का, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं डिसाइड करते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना रहेगा. तो एज वेल एज दैट कि भाई नीट 2019 में इस बार करीब करीब 15 लाख, 18 में करीब 13 थे तो इस बार 2 लाख बच्चे बढ़ गए थे, तो 15 लाख के आसपास बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें जो सीट है एमबीबीएस का वो सिर्फ अराउंड 3,895, मतलब लमसम हम इसको टेंटेटिवली ले सकते हैं 4,000 है इसमें. ठीक है, तो इस बार अभी ऐसा कोई खास कॉलेजेस तो बना नहीं है कि नंबर बढ़ने वाला है, बट स्टूडेंट्स यहाँ बढ़ा है और क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल था वो घटा था इसमें. तो क्वेश्चन का पेपर लेवल पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीन सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी जो था वो बहुत ज़्यादा इजी था. ठीक है, केमिस्ट्री इजी कैटेगरीज में और फिजिक्स जो था वो मॉडरेट हम लोग इसमें रख सकते हैं. इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें कि कितना ईजी और कितना था, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इसमें बायोलॉजी पेपर के बारे में स्पेशली एनालाइज किया था, तो इसमें 7 क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट था, 27 जो था मॉडरेट था और 56 क्वेश्चन जो था ईजी था जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपका था यहाँ पे. तो बहुत ज़्यादा टेंशन की चिंता नहीं है इसमें. फिर भी अगर हम ये कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं तो कैलकुलेशंस का जो बेसिस इसमें मैंने क्या किया है कि पहले मैं मार्क्स कैलकुलेट करता हूँ कि ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट होगा उसका कितना मार्क्स आ सकता है ऑल इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो. तो इसमें यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसमें से ये डिफिकल्ट को हटा देता हूँ. तो यहाँ पे ये 56 और 27 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल 86 आता है, बट मैं लमसम लेकर चल रहा हूँ कितना 80 क्वेश्चंस बायोलॉजी में कर सकता है ऑन एन एवरेज बच्चा. केमिस्ट्री में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो था डिफिकल्ट था, 15 क्वेश्चन मॉडरेट था और 22 क्वेश्चन क्या था आपका ईजी था इसमें. तो इसको हटा देते हैं, 8 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये ऑन एन एवरेज नहीं हो पाएगा सारे बच्चों से. तो टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री में कितना हो जा रहा है आपका 37. 37 में से मैं 2 क्वेश्चन और हटा देता हूँ कि लमसम ले लिया कितना 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बच्चा कर लेगा. उसी तरह से फिजिक्स में अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट था तो इसको हटा देते हैं, तो बाकी कितना बचता है आपका इसमें 34 क्वेश्चन. तो 34 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से हटा देता हूँ, लमसम कितना ले लिया 30 क्वेश्चन, मतलब टोटल 145 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज बच्चा ऑल इंडिया लेवल पे कर सकता है. और 145 में से अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन करेगा बच्चा 58 करेगा. तो ये किसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया 58, ये क्वेश्चंस के लेवल पे मैंने डिस्कस किया है, लेवल पे कैलकुलेट किया है. तो जस्ट एक लमसम कैलकुलेशन है. अब इससे हमें क्या पता चला कि ऑन एन एवरेज 580 नंबर्स आ सकते हैं एवरेज स्टूडेंट्स के इसमें. तो इसी के बेसिस पे अब हमारा जो होगा कैलकुलेशन होगा, ये मैंने कोई कैटेगरी वाइज जस्ट ऐसे किया है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई कि आपका जो ऑल इंडिया में जो 15% कोटा है फॉर एमबीबीएस के लिए उसके लिए कट ऑफ क्या हो सकता है और उसके लिए एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है.
तो ये लास्ट 2-3 साल का जो रैंक था और मार्क्स था उसके बेसिस पे मैंने ये कैलकुलेशंस किया है, उसके बेसिस पे मैंने ये निकाल के रखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा में अभी मार्क्स हम लोगों ने 580, बट 580 तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है इसमें, मैंने ज्यादा के कैटेगरीज में हो जा रहा है, तो हम इसमें एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, तो एवरेज ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसमें, कि एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना हो जाएगा आपका 570 से 580 हो जाएगा जनरल और ओबीसी। जनरल ओबीसी में मार्क्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, तो आप उसको वहां पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो गया इसमें 570 से लेके 580, और इसके लिए जो रैंक आता है या आना चाहिए वो 6,000 तक इसमें है। तो 6,000 अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो 6,000 या 6,010 तक अगर इसमें, सॉरी 6,100 तक भी अगर रैंक आता है तो आप मान के चलो कि इसमें आपको वो सीट मिल जाएगा 15% ऑल इंडिया कोटा में। एसटी में अगर आते हैं तो यहाँ पे मार्क्स को कितना कर दिया मैंने इसमें 440 से 445 तक, दैट मीन्स अगर 40,000 तक आपका अगर रैंक है एससी कैटेगरी से, ठीक है ना, एससी कैटेगरीज में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 50% ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एसटी में आ जाते हैं, तो एसटी में यहाँ पे क्या है आपका 60,000 अगर रैंक है, अप टू कितना 60,000, तो हो सकता है कि आपको एमबीबीएस सीट मिलेगा। और 60,000 रैंक लाने के लिए इस बार का जो कट ऑफ होगा वो हो जाएगा आपका 420 से लेके 430 मार्क्स का आसपास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 420 टू 430 किसके लिए, एसटी के लिए। फिर से एक बार देख लो, जनरल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 570, ठीक है ना, 570 टू 580, और एससी के लिए क्या 440 टू 445, और एसटी के लिए 420 टू 430 हो जाएगा। ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज जो होता है ऑल इंडिया से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं, और जो बच्चों का जो मेंटल स्टेटस होता है वो भी थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 85% जो असम स्टेट कोटा है फॉर एमबीबीएस के लिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाले, तो पहले से पहले कुछ डाटा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि असम स्टेट में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ टेंटेटिव जो सीट है, टेंटेटिव के अगर कि इसमें हो सकता है कि शायद इस साल से आपके 2 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें अभी टेंटेटिव लेके चल रहा हूँ उसमें, तो यहाँ पे कितना 726 एमबीबीएस के लिए, और 40 जो है वो आपके बीडीएस में था, दैट इज डेंटल के लिए सीट अवेलेबल है। लास्ट 2 ईयर का अगर हम लोग कट ऑफ अगर देखते हैं, लास्ट 2 ईयर का ये कट ऑफ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो अनरिजर्व कैटेगरीज दैट मीन्स जनरल के लिए जो था 2017 में 419 और 2018 में 420, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही मान के चलिए इसमें। अच्छा, इसमें फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, ये तो मुझे बहुत 100% मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए, बट मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों को मिला के बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 380 मैंने सॉरी 338 2017 में कट ऑफ था, और 2018 में आपका 325 कट ऑफ था। बट अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुझे तो 312 में भी इसमें मुझे सीट मिल गया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था इस बार 2018 के लिए कि एक था मोब राउंड था, तो उस टाइम पे ऑन स्पॉट जो सीट अवेलेबल था और ऑन स्पॉट जो लोग थे उनको मिल गया था, तो यहाँ पे करे करे 312 भी गया था। तो मैंने 312 नहीं लिखा क्योंकि ये मेंशन बहुत जगह पे नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रेफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी 312 में यहाँ पे सीट मिला है 2018 में। एससी कैंडिडेट के लिए अगर आते हैं तो एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 17 में 345 और 18 में कितना आपका 343 था। ठीक है, 343 था, और एसटी में क्या था तुम्हारा 2017 में 271, और एसटी के लिए 264 था 2018 में अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, और इसी तरह से एसटी हील यहाँ पे एक कोटा है, तो उसमें 2018 में 217 सॉरी 211 नंबर भी गया था कटअप यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। आगे मैं एसटी हिल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो ये चीज मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये तो रहा भाई कि लास्ट के 2 साल के कटअप और जो अवेलेबल सीट है उस पर मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है,
अब यहां पे मैं देख लेता हूं कि कॉलेज वाइज, अगर कॉलेज वाइज कटअप अगर देखा जाए, कॉलेज वाइज कटअप ठीक है, तो यहां पे जो जीएमसीएच है यहां पे 2017 और 2018 का मैंने यहाँ पे डाटा लेके रखा है ठीक है, 2017 और 2018 का डाटा ले रखा है, तो इस पे थोड़ा आप लोग गौर कर लीजिएगा। तो 2017 में जीएमसीएच का जनरल मैं बताता हूँ, बाकी यहाँ पे है, आप पॉज करके इसको देखना चाहे तो अच्छे से देख सकते हैं, मैं अभी जस्ट जनरल कंपेयर करके बता देता हूँ आपको। तो जीएमसीएच में 2017 में जो लास्ट जो सीट फिल हुआ था, मैं जो लास्ट कटअप गया था जीएमसीएच के लिए 485 गया था 2017 में, और 2018 में आपका 477 गया था। उसी तरह से आसाम मेडिकल कॉलेज के लिए अगर हम देखते हैं, तो जनरल के लिए जो लास्ट क्लोज क्लोज हुआ था सीट वो था तुम्हारा 447, और 2018 में यही 427, मैंने 427 मतलब कम हुआ था। उसके बाद 2017 में कितना था, 435 था ठीक है ना, 435, और 2018 में 435 था किसके लिए, आपका सिलचर मेडिकल कॉलेज के लिए। और इसी तरह से जोरहाट के लिए 430 था 2017 में, और 426 था माने 426 था आपका 2018 में। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज के लिए अगर हम देखते हैं, तो 2017 में इसका कटअप था 422, और 2018 में भी ऑलमोस्ट यही कटअप था तुम्हारा। तेजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 419, और इस बार था 420। ये 19 भी हो सकता है, ये भी मैं टेंटेटिवली बोला, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि 19 भी था, बट ये मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैं भी अभी 20 ही लेके चला जाऊँ, तो 420 ये था इसमें। तो यहाँ से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रैंक होगा और क्या आपका, ये भी मैं बास लास्ट में एक्सपेक्टेड कटअप बता दूंगा कि कितना इसमें है। तो अब यहाँ पे ये तो 2 साल का मैंने कंपेयर कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड कटऑफ है वो कितना है। बच्चों देखो, एक्सेप्टेड कटअप बताने से पहले मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, देखो ये जो भी रिजल्ट है ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है, तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल इसमें आप लोग फोकस करिए कि अभी जो कटअप है वो क्या है उसमें ठीक है, इससे फ्यूचर आपका डिसाइड नहीं होता, फ्यूचर में आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, एमबीबीएस से भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो हम लोग कटअप देखते हैं इसमें कितना रहेगा। तो एक्सपेक्टेड कटअप ऑफ नीट 2019 फॉर आसाम स्टेट कोटा के लिए जो मैंने माना है वो है अनरिजर्व, दैट मीन्स जनरल के लिए 420 से 430 होगा। अब इस पे बहुत सारे लोग उछल सकते हैं कि भाई इतना अच्छा आसान क्वेश्चन होते हुए भी कट ऑफ को इसी के आसपास ही क्यों आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देखो इस बार हो सकता है कि जो मैक्सिमम मार्क ऑब्टेनिंग स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स 400 प्लस या 550 प्लस स्टूडेंट जो है उनका नंबर बढ़ सकता है, बट ऑन एन एवरेज जो बच्चों का कट ऑफ जो रहेगा वो बहुत ज्यादा खसकने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, बट फिर भी मैंने इसमें 10 मार्क्स का मार्जिन लेके एक एक्सपेक्टेशंस मैंने यहाँ पे दिया है ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, दैट मीन्स जनरल कैटेगरीज के लिए कितना हो जाएगा आपका 422-430, दैट मीन्स अगर इतना मार्क्स है दैट मीन्स रैंक कितना होना चाहिए इसके लिए 60,000। तो फिर आपको जो अबव जो भी मेडिकल कॉलेज बताया था उसमें किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको मिल सकता है ठीक है, तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी के लिए ठीक है, मैं वो 312 वाला नहीं लूंगा ठीक है ना, जो मॉब राउंड था उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल ही कर रहा हूँ, तो इस बार बहुत ज्यादा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है ठीक है, या हो भी सकता है पता नहीं, तो बहुत ज्यादा चमत्कार की उम्मीद ना रखें। ओबीसी के लिए जो होगा वो कटअप हो जाएगा 330 से लेके 335 हो सकता है इसमें ठीक है। उसी तरह से एससी के लिए 345 से 355 हो सकता है, और एसटी के लिए आपका 272-285 हो सकता है ठीक है। और एक था एसटी हील, तो एसटी हील में वही 210 से 220 आप मान सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ठीक है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा आसाम स्टेट के लिए। अब कितना मार्क्स ऑब्टेन करें कि आपको कौन ऑप्टेन करें कि उसके बेसिस पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस पे भी हम लोग मैं एक बार एनालाइज कर सकता हूं। इसमें देखो यहाँ पे ये मैंने ले लिया, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं और एक्सपेक्टेड कटअप इस बार का क्या रहेगा इसमें। तो जीएमसीएच को कॉलेज पाने के लिए इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअप होगा वो मार्क्स जो क्लोजिंग हो सकता है कि 485 टू 490 हो सकता है।
आसाम मेडिकल कॉलेज के लिए कितना हो सकता है आपका, 450 टू 455 हो सकता है, और सिलचर मेडिकल कॉलेज के लिए 455 टू 450 हो सकता है, जोरहट के लिए 435 टू 445 हो सकता है, और फखरुद्दीन के लिए आपका 430 टू 435, और तेजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए आपका 425 से लेके 430 हो सकता है। ये कट ऑफ है किसके लिए, अलग अलग आसाम के जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है, उनमें ये कट ऑफ हो सकता है इसमें। तो ये भी चिंता आपकी खत्म हो जाएगी, आपको किस मार्क्स पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, तो इस पे बेसिस पे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। फिर से मैं बोला हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है शायद मैं 100% सही भी हो जाऊँ, या हो सकता है मैं चाहे 100% गलत हो जाए, जस्ट ये मेरा प्रिडिक्शंस है और प्रिडिक्शन का बेसिस आप लोगों ने देखा ही, ठीक है। ओके एट लास्ट, अब ये क्या है हमारा एनालिसिस जो था कट ऑफ को लेके, ये होता है यहाँ पे समाप्त। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, जो भी मैंने मेहनत किया वो अच्छा लगा, तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशंस मिले तो इसे शेयर जरूर करें, करिएगा इसे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगर और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके अगर आता हूँ तो आपको पता चल जाए इसमें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।